नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट वीडियोस के दूसरे लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? सर्वनाम को। और जो शब्द, सर्वनाम की परिभाषा देखिए, जो शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, क्या करते हैं? जो शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा चेंज हो गई ना, लेकिन ये इसका उपयोग है। फिर हम देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जैसे कोई भी नाउन है और उसका हम जब रिप्लेसमेंट करते हैं जिन शब्दों के साथ, तो वहां पर क्या होती है? हमारे सर्वनाम होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सर्वनाम होते कौन कौन से हैं, क्या करते हैं सर्वनाम होते कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैं, तुम, आप, वह, यह, कौन, ठीक है, क्या, ये सब क्या होते हैं? हमारे सर्वनाम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अब देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं भाई? सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 होते हैं। अब ये देखिए चार्ट है बनाया हुआ, यहाँ पर क्या है? चार्ट बनाया हुआ है। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि जो हमारे टोटल भेद है वो कितने हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। संबंधवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, फिर हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। किसको देखते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। तो देखिए, बोलने, सुनने या किसी अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैं एक कहानीकार हूँ, तो ठीक है, मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता हूँ, ठीक है, उनके लिए, और किसी श्रोता है जो सुनने वाला है उसके लिए जो शब्द प्रयोग करता हूँ, या अन्य किसी तीसरे व्यक्तियों के लिए जो सुनाई नहीं, जो सुनाई है वो नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या है, तीनों का जो होता है, जिनके तीनों के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखें उत्तम पुरुष की हम देखते हैं। उत्तम पुरुष में देखिए कौन कौन से आते हैं? मैं, हमारे, हमें, मुझको, हमने और मैंने। ठीक है, मैं, हमारे, हम, मुझको, हमने और मैंने आते हैं। फिर हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। किसकी बात करते हैं? मध्यम पुरुष की बात करते हैं। तुम, आप, तुम्हारा, तुझको, आपने, तुम, आप, तुम्हारा, तुझको, आपने। ठीक है, ये शब्द आते हैं। फिर हम बात करते हैं अन्य की। किसकी बात करते हैं? अन्य पुरुष की बात करते हैं। अन्य पुरुष में वह, वे, उसे, उसकी, उन्होंने, उन्हें, उनको। ठीक है, ये सभी क्या है भाई? अन्य पुरुष में आते हैं। कौन कौन से आते हैं अन्य पुरुष में? वह, वे, उसे, उसकी, उन्होंने, उसे, उनका, ये सभी है वो अन्य पुरुष में आते हैं। अब देखिए तुम का अत्यधिक निकटता के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? अत्यधिक निकटता के लिए तुम का यूज किया जाता है। इसका प्रयोग है वो तिरस्कार के लिए किया जाता है। किसका तिरस्कार के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, और भगवान के लिए भी किसका यूज कर देते हैं हम? भगवान के लिए, भगवान से हमारी अत्यधिक निकटता होती है, इसके लिए हम किसका प्रयोग कर देते हैं? तुम का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जिन शब्दों में क्या है भाई? निश्चितता का बोध होता है। क्या होता है? निश्चितता का बोध जिन शब्दों से होता है उसको हम निश्चय वाचक सर्वनाम की श्रेणी में रख देते हैं। इन शब्दों से क्या है? निश्चितता का बोध होता है। देखिए, अब देखिए कि इस वाक्य को समझते हैं हम। इस पेन को देखो, यह कितना सुंदर है। ठीक है, इस पेन को देखो, यह कितना सुंदर है। इस पेन को देखो, यानी कि इसके साथ है ना वो क्या है भी? निश्चितता का बोध हो गया कि यही पेन है ना वो सुंदर है। ठीक है, तो यही पेन है वो सुंदर है। इसी तरह जैसे कोई पुस्तक है तो है यह पुस्तक है वो सुंदर है, यह पुस्तक सुंदर है। इसी प्रकार से मेरे पास में ये मार्कर है तो ठीक है, यह मार्कर अच्छा चलता है, यह मार्कर अच्छा चलता है। तो ये क्या हो गया? निश्चित हो गया कि यही मार्कर है ना वो अच्छा चलता है। उसके बाद देखिए अनिश्चयवाचक, क्या है अनिश्चयवाचक? ठीक है, इसमें क्या है? अनिश्चितता का बोध होता है। किसका बोध होता है? अनिश्चितता का बोध होता है। और कुछ शब्द है कोई, किसी, कुछ। ठीक है, एक वो आपने पाठ पढ़ा होगा कि दूध में कुछ गिरा है, ठीक है ना, ये वही कुछ है। यानी उस बालक को निश्चित नहीं था, उस बालक को क्या नहीं था कि निश्चित नहीं था कि दूध के अंदर क्या मिलाया गया है, तो वो क्या था? अनिश्चित था। तो यही है वो कोई, किसी, कुछ। ठीक है, तो कि रास्ते में कुछ खा लेना। अब घर वालों को ये पता नहीं होता कि रास्ते में वो क्या खाएगा, ठीक है, तो वो क्या कह देते हैं कि रास्ते में कुछ खा लेना, चाहे कोई छोले भटूरे वाला आए, कचौरी समोसा वाला आए, या कोई
कोई सेब केला खाने वाला हो तो ठीक है, तो रास्ते में कुछ भी खा लेना, लेकिन भूख मत मरना, ये कहते हैं ठीक है। और दूसरा देखें, हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है, हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ है वो ये यहाँ पर भी अनिश्चितता का बोध कराते हैं। फिर देखिए समुद्रवाचक, इसकी बात करते हैं, हम समुद्रवाचक की बात करते हैं, तो समुद्रवाचक है वो देखिए संज्ञा सर्वनाम पक्षी अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध को दर्शाती है। देखिए कोई एक नाउन है वो दूसरे नाउन के साथ रिलेटेड होती है, तो वो समुद्रवाचक सर्वनाम से होती है, ठीक है, किससे होती है, संबंधवाचक सर्वनाम से होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम उदाहरण, जिसको आपने बुलाया था वह नहीं आया, ठीक है, जिसको यहाँ पर जिसको है वो क्या है, संबंधवाचक के सर्वनाम का उदाहरण है, जिसको है वो क्या है, सर्वनाम का उदाहरण है। इसी तरह मेरा वह पेन खो गया है जो मेरे पिताजी ने मुझको दिया था, यहाँ पर वह है वो क्या है, भी संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसको देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम को, किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी के कार्य के संबंध में जब प्रश्न किया जाता है ना, क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, प्रश्न का सेंटेंस के अंदर बोध हो, इसका हो प्रश्न का बोध हो, तो वहां पर क्या होता है भाई, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन किसे किसने ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन किसे किसने ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन किसे किसने क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर देखो, देखो बाहर कौन आया है, देखो बाहर कौन आया है, यहाँ पर कौन है, ठीक है, तो ये आपका है भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर देखिए विधर्य कब खुलेगी, यहाँ पर कब है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर देखिए निजवाचक सर्वनाम, किसको देख रहे हैं हम, निजवाचक सर्वनाम को देख रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम होता है कि इनका बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, यानी कि जो लेखक है वो स्वयं के लिए प्रयोग करता है, या फिर जो बोलने वाला है वह स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं खुद अपना, ये क्या होते हैं भी निजवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, स्वयं खुद अपना वो क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होता है। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, यहाँ पर जो स्वयं है वो क्या है, अपना निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊं, यहाँ पर क्या भी स्वयं है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ठीक है। और कोरोना काल चल रहा है, मुझे पता है कि किसी के घर से कोई ना कोई दुखद समाचार है, लेकिन फिर भी हमें ये कोशिश करनी है कि एक पॉजिटिव तरीके से खुश रहा जाए, और समाज को एक नई दिशा और ऊर्जा देने का कार्य है वो हमें करना है। और देखिए आपके लिए छोटा सा कोट भी लिखा हुआ है, देयर इज नो कॉस्मेटिक फॉर ब्यूटी लाइक हैप्पीनेस, कि जो हमारी खुशी होती है वो ही हमारी सुंदरता होती है, इसीलिए हमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। जो कॉस्मेटिक का कार्य करती है, ठीक है, तो एक नई एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तथा कोरोना से लड़ते रहिए। जय हिंद।